दोस्तों मेरे हाथ में मेरी कार की चाबी पकड़ी हुई है और मेरी कार यहाँ से बहुत दूर खड़ी हुई है। अगर मैं इस बटन को यहाँ से प्रेस करूंगा तो काम नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इस चाबी को अपने यहाँ पर चिन्ह पर लगाकर प्रेस करूंगा तो यह काम करेगी। क्या आपको पता है ऐसे कैसे पॉसिबल है? सबर करो दोस्तों। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था हैरल्ड होल्ट, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकला था। सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलता है पर वो वापस कभी नहीं आता। वो कहां गुम हो गया आज तक किसी को इसके बारे में नहीं पता। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी फोर्स, पूरी आर्मी अपने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने पर लग जाती है पर फिर भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ नहीं पाती। शुक्र है हमारा प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे कैमरों के आगे रहता है। मुझे तो बहुत फिक्र बनी रहती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। पूरी घटना के बारे में डिटेल में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे फेमस फोटो कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध फोटो नहीं पता ना दोस्तों। टाइम मैगजीन के अनुसार काफी फोटोज हैं, जैसे कि ये फोटोज काफी फेमस हैं, बट द मोस्ट फेमस फोटो एवर टेकन वो नहीं है जो आप सोचते हो। और आप कहोगे कि वो फोटो फिर कौन सी है? गाइस, आप सब ने उस फोटो को देख रखा है। जी हाँ, सच बोल रहा हूँ। और ये फोटो एक ऐसी फोटो है जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा देखा हुआ है, और वो फोटो है ये सिंपल सी दिखने वाली हरे भरे पहाड़ों वाली फोटो। विंडो एक्सपी का वॉलपेपर, विंडो एक्सपी के इस डेस्कटॉप वॉलपेपर का नाम है ब्लेस, जिसको आजकल की जनरेशन विंडो एक्सपी हिल्स भी कहती है। और गाइस, ये कंप्यूटराइज्ड फोटो नहीं है, ये फोटो सच में एक खींची हुई फोटो है। और यह जगह स्थित है सोनोमा काउंटी कैलिफोर्निया के अंदर। इस फोटो को विंडो एक्सपी के डिफॉल्ट डेस्कटॉप वॉलपेपर की तरह यूज में लिया जाता था, और इस फोटो को करीब 1 बिलियन लोगों ने देखा होगा और मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फोटो एवर भी माना जाता है। और यह फोटो सन 1996 में चार्ल्स ओरियर ने खींची थी। यह है सन 1996 की फोटो, और अब देखिए इन पहाड़ों का क्या हाल हो चुका है। यह है प्रेजेंट डेज की फोटो। चार्ल्स ने अपने ममिया RZ67 कैमरा से इस फोटो को खींचा था, जो कि एक 120 रोल कैमरा था, आजकल तो आपको मिलेंगे भी। और यह फोटो इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि इसमें स्काई और ग्राउंड काफी विजिबल है, और ये फोटो एक इमोशनल इंपैक्ट डालती है। और इस पहाड़ का स्लोप भी लेफ्ट टू राइट है, जो कि किसी किताब को पढ़ने जैसा है। और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इस फोटो का राइट करीब $1,00,000 में चार्ल्स से खरीदा था, और इसकी फिल्म रोल को हैंड डिलीवर किया गया था, क्योंकि कोई भी शिपिंग कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस उस वक्त नहीं करती थी। सन 2014 में विंडो एक्सपी बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी के साथ साथ इस वॉलपेपर का भी गला घोट दिया। जिन्होंने विंडोज एक्सपी चलाई है वो तो इस फोटो को कभी नहीं भूल पाएंगे, और आने वाले समय में कोई इसे याद भी नहीं करेगा। ये देख लो, इयर्स बाय इयर्स मैं आपको फोटो दिखाता जा रहा हूं, पहले ये कैसी होती थी, बाद में ये कैसी होती गई। ये रियल लोकेशन, अभी तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा रंगा चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। अब बात करते हैं इस रिमोट की, रुको पहले इसकी बात करते हैं। दोस्तों क्या आपने टीवी देखते हुए कभी कभी यह महसूस किया है कि जो टीवी का रिमोट टीवी के एकदम सीधे डायरेक्शन होने पर भी काम नहीं करता, और उसी रिमोट को अगर आप गलती से अपने हेड की ओर करके चलाते थे तो वो काम करने लग जाता था। दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है, एक साइंटिफिक कारण है। ऐसा करने से आपका हेड एंटीना की तरह काम करता है। टिम पोजर, जो कि एक रेडियो इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि हमारे हेड में, हमारे सर में बहुत सारा फ्लूइड होता है, और न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होता ही है, जिसकी बदौलत हमारा शरीर कंडक्टर की तरह काम करता है और रिमोट की रेंज को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, चाहे थोड़ा बहुत ही करे पर बढ़ा देता है। और हाँ गाइस, अगर आप अपनी कार को पार्क करके लॉक करना भूल गए और आप अपनी कार से काफी दूर आ चुके हो, मतलब जहां से आपका रिमोट काम तो कर रहा है पर ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस वक्त आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। की के मेटल पार्ट को अपनी चिन पर लगाना है और रिमोट का बटन दबाना है, सिंपल एज दैट, क्योंकि उस वक्त हमारा हेड एक एंटीना की तरह काम करेगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी रेंज बढ़ा देगा आपकी की। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करके देखना। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जिनको सुनने के बाद आपकी फट जाएगी, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक सेंट्रिक फॉर स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो। दोस्तों आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तक तो पता चल ही गया होगा, शायद आपने खरीदी भी हो, पर ये बहुत ही वोलेटाइल होती है, मतलब इनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। सेंट्रिक एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने इस समस्या का हल निकाल लिया, और इसमें आपको हर महीने एक फिक्स परसेंटेज का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, मतलब इसका प्राइस अप होना इसकी ब्लॉकचेन कोडिंग में ही सेट है, और आने वाले एक साल में कितना बढ़ेगा वो भी पहले से ही पता चलता रहता है। सेंट्रिक में आपको डुअल टोकन सिस्टम मिलता है, सेंट्रिक राइज एंड सेंट्रिक कैश। कैश आपको मार्केट प्राइस पर मिलता है, जिसे आप पैनकेक स्वॉप जैसी क्रिप्टो एक्सचेंज से खरीद सकते हो, और जिसके बाद आप सेंट्रिक कैश को सेंट्रिक राइज में स्वॉप कर सकते हो। सेंट्रिक राइज में कन्वर्ट होने के बाद इसकी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी हर घंटे के हिसाब से। सेंट्रिक राइज को आप मार्केट में नहीं खरीद सकते, पहले सेंट्रिक कैश खरीदो, उसको फिर स्वैप कर सकते हो सेंट्रिक राइज में। सेंट्रिक कैश अब कोड़ियों के भाव मिल रहा है। सेंट्रिक राइज की कैलकुलेशन के लिए सेंट्रिक कैश के एक टोकन को $1 के बराबर माना जाता है, मतलब अगर आपके पास 100 सेंट्रिक कैश टोकन है और एक सेंट्रिक राइज की वैल्यू $10 है, तो जब इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो 100 सेंट्रिक कैश के बदले 10 सेंट्रिक राइज आपको मिलेंगे, और फिर उसमें इंक्रीज
रिलीज होना स्टार्ट होगा। मुझे तो इस क्रिप्टो करेंसी में काफी पोटेंशियल लगा। अगर आपको भी खरीदना है और इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट। दोस्तों, आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का कार्यकाल खत्म होता हुआ देखा होगा, कुछ का क्योंकि वो मर जाते हैं और कुछ रिजाइन देने की वजह से और कुछ इलेक्शन हारने की वजह से। पर इस दुनिया में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो गुम होने की वजह से अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था हैरोल्ड होल्ट। 17 दिसंबर 1967 दोपहर के 12 बजे होल्ट अपने कुछ दोस्तों के साथ बीच पर स्विमिंग कर रहा था और उसके दोस्तों ने बताया कि वो स्विमिंग करते हुए समुद्र में काफी आगे तक चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसे ढूंढने में सारी ऑस्ट्रेलिया की फोर्स लग गई, आर्मी लग गई, पुलिस लग गई। 5 दिन 50 गोताखोर और 350 बंदों की टीम तैनात की गई, पर सभी असफल रहे और किसी को होल्ट की लाश तक नहीं मिली और फिर जाकर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मरा हुआ घोषित। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसके डूबने से एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, दी ऑस्ट्रेलियन नाम की अखबार की हेडलाइन ये थी, पीएम एडवाइज टू स्विम लेस। मतलब वो अखबार वाले प्रधानमंत्री को कम तैरने की सलाह दे रहे थे कि मत तैरो, कम तैरो। मतलब सिर्फ एक दिन पहले ही अखबार वालों ने सलाह दी थी कि कम तैरा करो, पर फिर भी वो नहीं टला। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम डूबे हुए प्राइम मिनिस्टर होल्ट के नाम पर भी है और उसका नाम है द हैरोल्ड होल्ट स्विम सेंटर। नहीं भाई, मुझे आपको ये बताओ कि इस स्विमिंग सेंटर में तैरना सिखाते हैं या डूबना या कुछ और। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो पिल बॉटल्स होती हैं, दवा की शीशियां, कि जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव सील होती है, ये क्यों होती है? आपको भी ये लग रहा होगा कि इससे पिल्स मतलब गोलियां एयर टाइट रहती होंगी, लेकिन इसको एयर टाइट करना इसका रीजन कभी भी नहीं थी। इसका वास्तविक कारण सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 29 सितंबर 1982 में यूएस की मैरी कैलरमैन ने बुखार की वजह से टाइलेनॉल गोली खाई और गोली खाने के कुछ घंटों बाद पता चला कि वो लुढ़क गई, उसकी विकेट गिर गई इस दुनिया से। और उसी दिन अमेरिका में 3 और जानों की इसी तरह से विकेट गिरी और उसके कुछ हफ्तों के बाद फिर से 3-4 जाने इसी तरह मर गए, विकेट गिर गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर 1982 में इन्वेस्टिगेटर्स की टीम्स को पता चला कि जो टाइलेनॉल की गोली उन्होंने जो खाई उस पर साइनाइड लगा हुआ था, जिसके बाद 31 मिलियन टाइलेनॉल बोतल्स को पूरे अमेरिका से वापस फैक्ट्री में भिजवा दिया गया और शिकागो की एक सुपरमार्केट की शेल्फ में ऐसे ही साइनाइड लगी शीशी को रिकवर किया गया, जिससे पता चला किसी शरारती तत्व ने जरूर शेल्फ से बोतल को उठाया होगा, उसे खोला होगा और उसमें साइनाइड मिला दिया होगा। यह तो नहीं पता चल पाया किसने किया, पर उसके बाद हर कंज्यूमेबल बोतल पर यह प्रोटेक्टिव सील लगाना शुरू कर दिया गया और इसे मैंडेटरी कर दिया गया ताकि कोई भी इन शीशियों में मिलावट न कर सके। इससे पहले कोई भी शीशी पर प्रोटेक्टिव सील नहीं होती थी। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कई वेबसाइट पर देखा होगा कि जिनके नाखूनों पर ऐसे ऐसे निशान पड़ते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, मतलब किस्मत खुल गई, फट्टे चक दिए, उसको कोई नहीं हरा सकता। वैसे ये साला अफवाह लिखता कौन है, मुझे साला आज तक नहीं समझ में आया। तो मैं कह रहा था कि नाखूनों पर आपने इसे व्हाइट कलर के स्क्रैचेस जरूर देखे होंगे जो कि काफी समय तक आपके नाखूनों पर चिपके रहते हैं, चिपके नहीं मतलब अंदर ही होते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई लकी नहीं हो, आप कोई शक्तिमान नहीं हो, ठीक है? इसके पीछे भी एक साइंस छुपी हुई है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसे ल्यूकोनिकिया कहा जाता है। ये किसी भी कारण हो सकते हैं। इसकी वजह हो सकती है पुरानी चोट, एलर्जी की वजह से, जैसे कि नेल पॉलिश या नेल पॉलिश रिमूवल की वजह से। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन की खुराक नहीं मिल रही, स्पेशली जिंक एंड कैल्शियम की कमी से ल्यूकोनिकिया हो सकता है। और उन फालतू की अफवाह फैलाने वाली वेबसाइटों पर भरोसा मत किया करो, वो आपका चूतिया काटते हैं और ये निशान समय के साथ अपने आप मिट जाते हैं। तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर तब जरूर लेना जब पेन हो, दर्द हो या सारा नाखून व्हाइट होने लग जाए। पर इससे पहले आपके नाखूनों को कुछ हो जाए, नीचे लाइक वाला बटन है उसको दबाकर ब्लू कर दो, दो बार नहीं दबाना, सिर्फ एक बार दबाना। और हाँ, नीचे सब्सक्राइब भी कर दो, वो भी बटन है। तो गाइस, अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल भी जरा हटके होने वाला है जिसे आपको झटका लगेगा, पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस, आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। दोस्तों, जैसे कि हमारे घरों में दूध देने आते हैं तो हम उन्हें दूध वाला कहते हैं, वैसे ही किसी अरब देश में दूध वाले को क्या कहकर पुकारेंगे, यही है आज का रहस्यमय सवाल। यह बहुत ही रहस्यमय सा सवाल है, जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दिया इसके उत्तर के साथ, आराम से जाकर आप वहां पर देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, जाओ इंस्टाग्राम पर, अगर नहीं पता तो आराम से देखो जाकर। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, ठोको आज का लाइक एम तो मैंने मांग ही लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तब बिना गाली दिए, ओके बाय।